नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16। लगातार हम आपको चुनावों की खबरें दिखा रहे थे, लेकिन इसी बीच एक गरीब परिवार के घर पे जैसे देख सकते हैं आपकी आग लगी हुई है और किसी के खेत में से लेके आए थे, अपना गुजारा करते हैं, गरीब परिवार है, गांव जासावास है और जितनी भी कड़वी बाजरे की जो ये थी और इसमें पूरी में आग लगी हुई है। और यहाँ पर दमकल विभाग का जो कर्मचारी और जो गाड़ियाँ पहुँची हैं उनका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि मशीन जो है ये सामने खड़ी है ये काम नहीं कर पा रही है। तो यहाँ पे काफ़ी लोग पहुँचे हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं, बातचीत करेंगे पहले परिवार से भाई क्या कुछ मामला हुआ और कैसे ये आग लगी। जी नाम क्या है आपका? निर्मला। आपकी था ये मामला? हाँ। क्या ना, गांव जासावासी है? जासावास। तो कैसे क्या कुछ हुआ? खेत कमी काट रखी थी। अच्छा। और फिर गालन ने नहीं थी जब मैंने बोल भाई कड़वी ठाल्या यो कड़वी रिताई के चलो गयो, मैं घर ने चली गई, आई सु इतनी देर कमी यहाँ और कोई बोल के लाए सांच लाग गई थरा। अच्छा, इससे पहले यहाँ रखने से पहले कोई बातचीत हुई? कोई बातचीत नहीं हुई, कोई थो नहीं, कोई भी खलिया जगह पड़ी थी। मैं बोली बेटा ही बुरा उलाड दे फिर अपना उड़ान लगाए के कटवा ला। किसी ने मना किया हो भाई यहाँ? कहनी बंद नहीं कर, किसी ने नहीं किया। है दूसरा कई जनों गुआड़ो थोर कमी उलाड़ी थी सदा कतर गेरी भी नहीं। क्या लगता है की बिजली की तारों से लग गया? लगाई है? लगाई है किसी? लगाई गई? हाँ जी। तो भाई साहब क्या लगता है, क्या बातचीत है पूरी मामला? भाई साहब मैं खुद बरवाने वाला था। अच्छा। मैं बरवा के आपके गांव का ही ट्रैक्टर वाला था, नाम तो नहीं जानता मैं। 5 मिनट के अंदर ही ये ट्रैक्टर उड़ाल के मैंने 2 डोले डाले थे। 2 डोले डालते ही इस भाई का, जिसके भाई का है ये, उसने फ़ोन किया कि भाई आग लगी मेरे को ऐसी है। तो गिल्ली कड़वी थी, गिल्ली कड़वी में कैसे लगी पता नहीं, मैं उसके नाते में चाचा लगता हूँ। बोला चाचा पता नहीं तू जल्दी आ जा। तो मैं जो ट्रैक्टर वाला था उसको भी लेके आया और मैं खुद भी, एक भाई मेरे साथ मेरा और भाई बड़ा था उसको भी लेके आया। पर ऐसा लगता है मेरे को कि ऐसे अचानक लगनी नहीं चाहिए, किसी अनजान व्यक्ति की शरारत लगती है मेरे को। तो किसी का नाम तो पर्पज है नहीं किसी का सब, पर ऐसी है कोई शरारत लगती है मेरे को, किसी शरारती तत्व की शरारत लगती है मेरे को। बाबा ये आपकी थी क्या? हाँ जी। नाम क्या है आपका? राम स्वरूप। अच्छा, तो बाबा कैसे क्या बता रहे, पिछले साल भी जल गई थी अपनी रब की? पिछले साल तो करना खेत में गड़ा क्या तबाह करा दी थी। अच्छा। ये भी कहिया करना उसने कहीं प्या तो कहीं जड़ाई थी मतलब कड़ी भी दे दी या 5 मिनट पहले ये फलाट है जी। मैं बेहतर सोचता था दुग उठे जी बोले बोटा लगा दी हमारे बाबा हाँ चला गया यहाँ चला गया ये बारह गाँव के बीच में रोटी खाने गया जी। यहाँ के खत्म हो गई। कितने पशु हैं? पशु 7-8 पशु। 8 पशु? हाँ। तो आज चराने के लिए कुछ है या नहीं? कुछ नहीं, नहीं। साल का लड़का? 20 साल को। अच्छा, तो अभी चराने के लिए कुछ भी? कुछ भी कोने में तो एक छाबड़ी मांग के गाल रही थी। कितने पशु? 8 है। 8 पशु? हाँ। तो क्या मदद चाहते हैं सरकार प्रशासन से, क्या किया जाए? कुछ मदद कर दोगा भाई? सही। तो गरीब परिवार है, मदद की गुहार करता है और आसपास के लोगों से भी मैंने इससे बताया भाई ने कि भाई ये किसी की शरारत लगती है। तो यहाँ पे जो चुनाव लड़ रहे हैं 5 नंबर वार्ड से यशवंत राव जी भी यहाँ से निकल रहे, तो ये पहुँचे हैं, इनसे भी बातचीत कर रहे थे। क्या हाल जी? बढ़िया जी, बढ़िया। तो ये मामला आपके सामने आया है, गरीब परिवार है, 8 पशु हैं, आज भी चराने के लिए कुछ नहीं है। देखो मैं अभी गाँव में हमारा चुनाव प्रचार का डोर टू डोर का प्रोग्राम चल रहा था, तो उधर से मेरी गाड़ी खड़ी थी और ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई, तो मुझे पता चला कि गांव में कोई ना कोई घटना मन का घटी होगी, तभी फायर ब्रिगेड आई है। और फिर उसके पीछे पीछे मैं भी आ गया था। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि प्रशासन को इन चीज़ों को सबसे ज़्यादा चेक करके रखना चाहिए कि ये जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है यहाँ करके कोई कार्य नहीं कर पा रही है, इसका पंप सुचारू रूप से चालू नहीं है। तो मैं सारे प्रशासन को ये कहना चाहूँगा कि कोई भी मशीन अगर ऐसे बड़ी घटना हो जाती तो भेजते हैं तो सबसे पहले उसकी टेस्टिंग करके भेजनी चाहिए। तो बहुत छोटी सी घटना है मान लो, और ये आँच पे अगर काबू नहीं करें तो पूरा गांव भी जल सकता है। तो मैं यही कहूँगा कि इन चीज़ों को बहुत ही ध्यान रखना चाहिए प्रशासन को। और अपनी तरफ से कोई आर्थिक मदद करना चाहेंगे? मेरी तरफ से आर्थिक मदद ये है कि ये बहुत ही गरीब परिवार है, यहाँ गाँव वाले भी कह रहे हैं और जिस हिसाब से मैंने कंडीशन देखी तो गरीब है। तो मैं मेरी तरफ से जो भी आप कहोगे भाई, अब एक ट्रॉली में कड़वी कितने की आती है? 5,000 रुपये मैं इनको मेरी तरफ से दे देता हूँ कि भाई अपना एक ट्रॉली कड़वी की आ जाएगी उससे और ये अपना गुजारा कर पाएँ। और जो भी सहायता मेरे से जब भी ये मांगेंगे मैं तो तत्पर हूँ और सामाजिक कार्य इस प्रकार के करते रहता हूँ तो मैं ज़रूर करूँगा। तो यशवंत राव जी हैं 5 नंबर वार्ड से यहाँ निकल रहे थे, तो इन्होंने देखा तो इन्हें 5,000 रुपये की
धनराशि जो है बताया जा रहा है, लगभग एक ट्रैक्टर में कड़वी 5,000 की आ जाएगी और 8 पशु हैं। आज भी चराने के लिए कुछ नहीं है। अगर आप भी मदद करना चाहते हैं और आसपास के हैं तो आप भी कर सकते हैं। और यहाँ अपने दूसरे गांव के साथी भी हैं, उनसे भी बातचीत करें। क्या हाल है जी? ठीक है। ये क्या कुछ मामला हुआ? ये कड़वी का आग लगी है, किसने लगाई है, कैसे हुई है? तो लगता है कहीं बिजली के तारों से या किसी ने बीड़ी का धुआं छोड़ दिया। ये तो क्या पता लगा है, या तो कोई बीड़ी पड़ी है। अच्छा, ऐसे हो सकता है, फेंक दिए। आग है, ये कड़वी है, आग ही है। तो इसमें मेरे भी इसमें लिता पड़ा थे, सारा जल गया है। तो आज ये बेसहारा है, मतलब आज चलाने के लिए कुछ नहीं है, तो थोड़ी बहुत मदद आप भी करेंगे इनकी, पड़ोसी होने के नाते। समझा, पड़ोसी फूस पड़ा चला लो, कोई इतराजी नहीं है हमारे, कोई दिक्कत नहीं। दो चार दिन को फूस तो देना। हाँ, ले लो, कितना चाहिए तरा और का दे। अंकल जी दे देंगे। हाँ जी, अंकल जी कैसे, आप भी बुझा रहे थे आग? ये आग बुझा रहे थे भाई, दो ट्रोली थी, लक्कड़ जड़ गा रही इनकी, गरीब भाई की है, कड़बी जड़ गई, गरीब आदमी था ये, नहीं बेरा भाई लगाई, लगा भी सके से इनके पीछे कोई कोई आदमी लग रहा है। यह होता है 11,000 वोल्टेज वाली है तो उपलो जाना जी, जी, जी। और किसी का जो है ना हो भी सकता है भाई, दुश्मनी से कोई बार बार दोबारा पहले भी बता रहे कहीं जड़ाई है तो कोई गेर भी दे। तो पड़ोसी हैं आप, थोड़ी बहुत मदद करेंगे? ये कड़वी मारी पड़ी, चरा लो, कोई दिक्कत नहीं, पक्की बात है, पक्की बात। तो भाई ये पड़ोसी हैं, ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पास जो पड़ा है फूस, उसमें से ये चरा सकते हैं 2-4 दिन। और यशवंत राव जी ने 5,000 रुपए देने का इनको जो सहयोग दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हम भी करते हैं। लेकिन प्रशासन से ये चाहते हैं, जो ये मशीन इतनी बड़ी बड़ी बना रखी है, जिनके पानी की वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि प्रेशर बिल्कुल भी नहीं है और कोई समस्या इनमें आई है, और इतनी बड़ी बड़ी मशीन इतना पैसा खर्च करते हैं, महेंद्रगढ़ में 2 तो ये मशीनें हैं और उनमें से ये काम नहीं कर पाती, फिर इस चीज़ का फायदा क्या है? यहाँ आप देखें पूरा पानी नीचे ही गया है, ना कि इसके द्वारा। भाई साहब क्या समस्या आ गई इसमें? नाम क्या है आपका? संदीप। तो किस पोस्ट पे हैं आप यहाँ पे? ड्राइवर पोस्ट। ड्राइवर, तो आप जैसे कहीं जाते हैं तो टेस्ट वेस्ट करके रखते होंगे या नहीं? हाँ, बिल्कुल। तो आज क्या समस्या आई? ये चलती चलती हो गई जी। चलती चलती यहाँ के चल गई एक बार? हाँ, चले गई। उसके बाद समस्या आई? बाद है। तो अभी क्या उपाय है इसका? गाड़ी बुलाई है, दूसरी गाड़ी आ रही है। कब तक आ जाएगी? अपने महेंद्रगढ़ में कितनी गाड़ियाँ हैं दमकल? 2 है। 2 है। हाँ, तो वो कहीं गई हुई थी? हाँ, गई हुई थी। कौन? तो अभी इसको ये यहाँ कोई बड़ी घटना होती तो बुरा हाल हो सकता था। नहीं, गाड़ी बुला दी दूसरी और नारों से बुला देते। अच्छा, तो ये विभाग की गाड़ी है आपके सामने है और इसमें कोई समस्या आ गई जिसकी वजह से पानी नहीं चल पाया, प्रेशर नहीं बन पाया। और पड़ोसियों ने भी कहा है कि भाई हमारी कड़वी यहाँ है, आप 2-4 दिन यूज़ कर सकते हैं उसको, बाकी अपनी खरीदें। और एक भाई साहब ने 5,000 का यहाँ पे मदद की, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन ऐसा गलत कार्य है, अगर किसी के द्वारा ये आग लगाई गई है तो बहुत गलत है। प्रशासन से भी हम उम्मीद चाहते हैं, गरीब परिवार है, 8 पशु हैं, तो इनकी कोई ना कोई मदद जरूर की जाए। लगातार खबरों के लिए बने रहें इंडिया न्यूज़ 16 के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।